हैं आप लोग, और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 यूक्लिड्स पास्टुलेट पार्ट 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स एक्सियम्स को देखा था, यूक्लिड्स एक्सियम। आज यूक्लिड्स पास्टुलेट को देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पास्टुलेट और एक्सियम में डिफरेंस भी बताया था। जो एक्सियम्स होते हैं वो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। और जो पास्टुलेट्स होते हैं वो भी एक्सियम्स ही होते हैं, बट ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। मीन्स एक ऐसा फैक्ट हमको पढ़ना है जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और जिसका यूज ज्योमेट्री में होता है, वो पास्टुलेट कहलाएगा। और यूक्लिड ने ऐसे 5 पास्टुलेट्स दिए थे जो आज बहुत ही यूजफुल हैं हमारे लिए। उन्हीं को एक एक करके हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पास्टुलेट से। फर्स्ट पास्टुलेट क्या है यूक्लिड का? बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिए। ये पास्टुलेट क्या बता रहा है आपको? यूक्लिड ने बताया फर्स्ट पास्टुलेट में कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया जा सकता है। या फिर यूं समझ लीजिए कि अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट से तो आपको पता है, पहले ही आपको बताया गया है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं, दूसरे पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। बट अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और एक हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों पॉइंट से होकर पास करे, तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, यूनिक होगी, एक के अलावा दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। मीन्स इन दोनों को जॉइंट करने से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, यानी दो पॉइंट को जॉइंट करके हम एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं या एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है जॉइंट करने से, स्ट्रेट लाइन। यानी दो पॉइंट को जब आपस में जॉइंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके अलावा अगर दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करने की सोचें जो दोनों पॉइंट से होकर पास कर रहा हो, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है और ये पहले पास्टुलेट में यूक्लिड ने बताई थी। हमने आपको बताया भी कि इसको, ये सेल्फ एविडेंट है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जानते हो कि दो पॉइंट से होकर एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? तो यूक्लिड ने, इसलिए हमने, और इसका हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, इसलिए इसको कहेंगे यूक्लिड्स फर्स्ट पास्टुलेट। तो अब सेकेंड पास्टुलेट की बात करते हैं। सेकेंड पास्टुलेट क्या कहता है? यूक्लिड का सेकेंड पास्टुलेट समझने के लिए आइए पहले, ये फर्स्ट पास्टुलेट आपके समझ में आ गया, अब हम सेकेंड पास्टुलेट की बात करेंगे। तो फर्स्ट पास्टुलेट में हमने समझा कि दो पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सेकेंड पास्टुलेट ये कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कह रहा है एक टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट जो होगा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, एक ऐसा लाइन जिसमें दो टर्मिनल हों, तो इसको टर्मिनेटेड लाइन कहेंगे या लाइन सेगमेंट कहा जा सकता है ए बी। इसको हम जितना चाहें दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आपको पहले ही पता है, ये तो डेफिनेशन भी है लाइन की, कि जिसका कोई इन पॉइंट नहीं होता है। तो एक लाइन सेगमेंट था, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहें इनडेफिनेटली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लैक बोर्ड पे जितनी जगह है इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीन्स जितना हम चाहें उतना इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। तो यही उनका सेकेंड पॉस्टुलेट था, बहुत सिंपल था ये भी। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, याद रहेगा आप सबको, बहुत सिंपल है। कोई भी लाइन सेगमेंट होगा दोनों डायरेक्शन में जितना चाहें उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करेंगे थर्ड पास्टुलेट की। तो थर्ड पास्टुलेट में क्या कहा गया है?
थर्ड पॉस्टुलेट में यूक्लिड ने क्या कहा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को किसी भी एक गिवन सेंटर और एक रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पॉइंट अगर हमको दिया जाए, एक पॉइंट मान लीजिए कोई ए दे दिया गया, दूसरा पॉइंट बी सी एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए गए, तो ये उन्होंने ये कहा थर्ड पॉस्टुलेट में कि अगर हमको कोई एक सेंटर आप दे दो और एक रेडियस दे दो तो मैं आपको एक सर्कल दूंगा। मीन्स एक सेंटर दे दीजिए, आप बता दीजिए कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सेंटर है और इससे इतने रेडियस का एक सर्कल बनाइए, तो हम सर्कल बनाने में एबल होंगे। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और 1 सेंटीमीटर रेडियस हमको बता दिया गया, तो अब एक सर्कल हमारे पास हो गया जिसका रेडियस 1 है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट बी हमें मालूम था, इसका रेडियस बता दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो हमने एक दूसरा सर्कल भी दे दिया। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि जितने चाहे उतने सर्कल हम बना सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत किसकी होगी, एक सेंटर की और एक रेडियस की। मीन्स सेंटर और रेडियस रहे अगर हमारे पास तो हम जितने चाहे उतने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था उनका थर्ड पॉस्टुलेट। अब हम फोर्थ पॉस्टुलेट की बात करेंगे। पॉस्टुलेट नंबर 4 क्या है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सर्कल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, एक सेंटर और एक रेडियस। सिंपल है, आप जितने भी सर्कल बनाते हो उसमें कहीं ना कहीं एक सेंटर लेते हो और एक रेडियस, और सेंटर पे आप कंपास का निडल रखते हो और फिर रेडियस मेज़र करके एक सर्कल बना के दे देते हो। तो ये सबसे पहले बताया था यूक्लिड ने अपने पॉस्टुलेट में, जिसको हम लोग थर्ड पॉस्टुलेट के नाम से जानते हैं उनके। अब पॉस्टुलेट नंबर 4 की बात करेंगे। पॉस्टुलेट नंबर 4 में क्या कहा गया, पॉस्टुलेट नंबर 4 में कहा गया, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत सिंपल है, हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि ये सब क्या हैं, एक्सियम्स हैं, और ये सब ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। मीन्स ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब हम सबको पता है। तो यही बात ज्योमेट्री में यूज़ करने वाली उन्होंने फोर्थ नंबर पे बताया कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल हमने ये बना लिया ABC, दूसरा एक ये बना लिया, तीसरा एक ये बना लिया, तो ये जितने भी राइट एंगल्स होंगे सब एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये सभी का मेजरमेंट तो इक्वल ही है, 90 डिग्री है। तो बस सिंपल सी बात थी, इसको उन्होंने सबसे पहले बताया था, इसलिए हम इसको फोर्थ पॉस्टुलेट के नाम से जानते हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब पॉस्टुलेट नंबर 5 की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। फिफ्थ पॉस्टुलेट जो थोड़ा सा बड़ा भी है, बट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हम आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, आइए पहले पढ़ के और बनाते भी चलते हैं। कह रहा है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया AB और दूसरा स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने CD, अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, कह रहा है कि अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पर गिरती हुई है, मीन्स इसको इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये PQ है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब इसके एक ही साइड जो ये लाइन सेगमेंट है जो दोनों स्ट्रेट लाइन पे पड़ रही है, उसके एक ही साइड, सेम साइड, जैसे मान लीजिए ये हो गया एंगल 1 सपोज कर लीजिए, एंगल 2 सपोज कर लीजिए, और दूसरे साइड क्या क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 सपोज कर लीजिए। टेकन टुगेदर ऑन द सेम साइड ऑफ इट, टेकन टुगेदर, अगर उन दोनों को एक साथ लिया जाए, लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। कह रहा है कि अगर इन दोनों ही, इसके सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर उन दोनों का सम 2 राइट एंगल से लेस है,
तो अब देखिए यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है कि देखने में कौन सा एंगल लग रहा है जो 90 डिग्री से लेस होगा, ये और ये एक्यूट एंगल लग रहे हैं, तो इन दोनों का सम एंगल वन और एंगल टू का सम लेस है टू राइट एंगल, मीन्स 90 प्लस 90 एक राइट एंगल प्लस एक राइट एंगल मिलके टू राइट एंगल हो गया, मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू अगर 180 से लेस होगा तो क्या होगा, कह रहा है देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस, अगर इन दोनों लाइन को स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस किया जाए इनडेफिनेटली मीट्स ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द राइट एंगल टू राइट एंगल्स, कह रहा है तब अगर इन दोनों राइट एंगल को हम इनफाइनाइटली बढ़ाएं, अब इनडेफिनेटली बढ़ाएंगे किधर, ये ध्यान रखना है जिधर 180 से लेस है दोनों का सम इंटीरियर एंगल का, अगर उधर इसको इनडेफिनेटली बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और ये बहुत ओबियस है। देखिए अगर इसको हम बढ़ाते भी हैं तो ये ऐसा लग भी रहा है हमें कि कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, और देखिए यहाँ आके मिल गए। तो ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है और उसके तीसरी स्ट्रेट लाइन इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रही है दोनों स्ट्रेट लाइन को, सेम साइड के दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 से लेस आ रहा है तो उस साइड अगर लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे जिधर 180 से लेस आ रहा है सम, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यही था उनका फिफ्थ पॉस्टुलेट। हमें किधर की बात करनी है, जिधर राइट एंगल का जिधर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस आ रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन के एक ही साइड, तो दो पेयर हैं, एक पेयर ये है दूसरा पेयर ये है, तो इधर तो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल लग रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स हमेशा 190 से ज़्यादा होते हैं दोनों, तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा आएगा, तो इधर तो प्रोड्यूस करने का सवाल ही नहीं है, इधर ही प्रोड्यूस करेंगे, और इनडेफिनेटली अगर बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों मिल जाएंगे। यही उनका फिफ्थ पॉस्टुलेट था। इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी आया इसके बाद, यानी इसी के थ्रू हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मिला, इसी के थ्रू इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ तो हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मिला। वो क्या था पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमारा, उसमें ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी या एल, एल सपोज कर लीजिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट एल है और डिस्टिंक्ट पॉइंट कोई है यानी इससे अलावा नॉट लाई ऑन द एल कोई दूसरा पॉइंट पी है जो एल पे लाई नहीं करता, तो डेफिनेटली एक लाइन वहां से ड्रॉ किया जा सकता है एम जो इसके पैरेलल होगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो इसमें देखिए अब इसमें अगर कोई भी हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देते हैं तो इसमें तो था कि टू राइट एंगल से लेस होना चाहिए एक साइड, अगर लेस है और ग्रेटर है तब तो समझ में बात आती है कि दोनों साइड में एक तरफ लेस है जिधर उधर प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, अगर दोनों इंटीरियर एंगल का सम सपोज करिए एंगल वन और एंगल टू इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री एग्जैक्टली आ गया तब क्या होगा, तब तो ये पॉस्टुलेट उस पर अप्लाई नहीं होगा, इस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर 180 आ गया तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर 180 इधर आ गया तो 180 इधर भी आएगा तब इधर भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे और इधर भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तब क्या होगा ये दो लाइनें चलती तो जाएंगी बट कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ऐसी ही लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, टू लाइंस विच हैव नो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइन तभी पैरेलल कही जाती हैं जब दोनों का कहीं भी इंटरसेक्शन ना हो, एल और एम दो लाइन, तो अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, यहीं से पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।